कादियानियों का तरीका वारदात। नौजवान नस्ल को कादियानियों से बचाएं। आपके 5 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मालूमती वीडियोस आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में ईमान के लुटेरे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स में कादियानियों की बढ़ती हुई तबलीगी सरगर्मियाँ मुसलमान लड़के और लड़कियों के लिए इंतहाई मुज़र हैं। बहुत से वाकयात ऐसे सामने आए कि इन अदारों में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तालबेलम कादियानी क्लास फैलो से दोस्ती के नतीजे में रबुआ की सैर को चल पड़े और फिर इन्हीं के हाथों शिकार हो गए और अपना ईमान लुटा बैठे। मून मार्केट इकबाल टाउन में एक इदारे में पढ़ने वाला शहजाद नामी नौजवान अपने दो कादियानी क्लास फैलोज की दावत तबलीग से मुतासिर होकर कादियानी हो गया, मगर अल्लाह के फजल करम से खत्म नबूवत का लिटरेचर और वेबसाइट विजिट करने के बाद कादियानियत पर लानत भेजकर दोबारा मुसलमान हो गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज PMC फैसलाबाद में कादियानी लड़के लड़कियों की गुज़िश्ता साल तबलीगी सरगर्मियां इंतहाई अरूज पर पहुंच गई। कादियानी लड़कियां अपने हॉस्टलों में बाकायदा नोटिस बोर्ड पर अहमदी दरसे कुरान के नाम से प्रोग्राम करती थी। कादियानियों ने PMC के सामने रहायशी स्कीम में एक 10 मरले का मकान ले रखा है, जहां मुसलमान लड़के लड़कियों को खिलाने पिलाने के बहाने ले जाया जाता है, फिर इनको वहां अयाशी करवाई जाती है और साथ 20,000 रुपये माहवार वसीफे की पेशकश की जाती है और इसके एवज मुतालबा ये होता है कि बेशक आप अंदर से मुसलमान रहे मगर हमारा बैत फार्म पुर करके वजीफा हासिल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ के बहुत से मुसलमान लड़के लड़कियों के ईमान लूटने की दास्तानें इंतहाई अफसोसनाक और होलनाक हैं। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर का उस्मान कादियानियों से ताल्लुकात की बिना पर इनके इस दजलो फरेब में आ गया कि मिर्ज़ा कादियानी के बारे में इस्तखारा किया जाए। फिर वो इस्तखारा करके हमेशा के लिए मुर्तिद हो गया और अपने दोस्तों अजीजों को मर्ज़ई बनाने के लिए दिन रात कोशा रहता था। इचरा के मारूफ ठेकेदार का बेटा आला तलीम के लिए लंदन गया। वहां से एक कादियानी खानदान ने इससे रिश्ते के लिए राब्ता किया। जब ठेकेदार साहब ने कादियानियत की बिना पर इनकार किया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा यहाँ आकर हमारे साथ उठता बैठता है और अब वो हमारे अकीदे पर है और हमारी मर्जी से चलेगा। अब हम इसकी शादी कर रहे हैं। हम तो तुम्हें सिर्फ दावत दे रहे हैं कि तुम शादी में शरीक होना चाहते हो तो आ जाओ। जवानी के हथियार से मुसलमान लड़कियों और लड़कों के ईमान की लूटमार। एक शख्स फोन पर रोते हुए बता रहा था कि मेरी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो कादियानी हो गई है और लाख समझाने के बावजूद इसने मर्ज़ई लड़के से शादी कर ली। हमें अपनी औलाद के अमाल के साथ इनके अकीदे की निगरानी भी करनी चाहिए। चौधरी कॉलोनी समनाबाद का जलील पैसे और नौकरी के लालच में समनाबाद की कादियानी जमात के हाथों मुर्तद हुआ और अपनी बीवी को भी कादियानी बना लिया। इसकी माँ तमाम मुसलमानों से अपील करती है, कोई है जो मेरे बेटे का ईमान बचा ले, मैं इंतजार में हूँ, लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी हम सो रहे हैं। जलील के साथ नज़र आने वाले 5-7 नौजवान वो हैं जो कादियानी हो चुके हैं और इन्होंने अभी तक अपने घर में बताया भी नहीं। रबुआ से खूबसूरत लबास और मेकअप करके निकलने वाली खूबसूरत लड़कियां ट्रेनों और बसों में सवार सरगोधा से फैसलाबाद के रूट और इर्द गिर्द के देहातों में फैल जाती हैं। जवानी के हथियारों से लैस होकर सैकड़ों लोगों का शिकार कर चुकी हैं। अफसोस, इन सैकड़ों लोगों का शिकार रोकने वाला कोई नहीं।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कादियानी लड़कियों की तबलीगी जमातें इस तरह निकलती हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट या कफार के एजेंट। कुछ बदकिस्मत ट्रैवल एजेंट मुसलमानों को कादियानियत की बिना पर बाहर भेजने की तरकीब दिलाकर बैद फार्म पुर करवाते हैं, फिर कादियानी जाहिर करके बैरून मुल्क का वीजा लगवाते हैं और चंद रुपयों की खातिर इनका ईमान जाया कर देते हैं। ये बहुत से लोगों को मुर्तद करके बाहर भिजवा चुके हैं। कादियानियों के दुनिया भर में इज्तमाद मुनक्कद होते हैं और जुमे के दिन भी इनका हर इलाके में इज्तिमा होता है। इन इज्तिमात में हर कादियानी अपने साथ एक या दो मुसलमानों को लाजमी लेकर आता है। इन इज्तिमात में शरीक करने वाले मुसलमान कुछ अरसे बाद कादियानियत का हिस्सा नजर आते हैं। कादियानी समाजी बहबूद और एनजीओस के जरिए अपने खास मकसद के हसूल के लिए हर इस जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई कुदरती आफत, मुसीबत या हादसा पेश आता है। हादसात में लोगों का माल, घर बार, जानों का नुकसान तो पहले ही हो चुका होता है, ऊपर से इन मजलूमों की इस मुसीबत और परेशानी का फायदा उठाकर ईमान के डाकू अपने इर्तदादी हथियार के साथ वहाँ हाजिर हो जाते हैं। और जो जो लोग ईमान बेचना चाहे उनको अच्छी खासी कीमत दे दी जाती है। बेसहारा लोगों की कफालत करके इनको अपने दायरे में शामिल कर लेते हैं। औजरी कैंप 1988 में कादियानियों ने भरपूर काम किया। 2005 बालाकोट में आने वाले जलजले में जहां तमाम मुसलमान इनकी इमदाद के लिए सरगर्म थे, वहां कादियानी भी इर्तदादी सरगर्मियों को फैलाने के लिए भरपूर काम कर रहे थे। और ईमान लुटाने वालों को मराआत की पेशकश करके वरगलाया जाता रहा और मुतअद्दिद मुसलमानों को कादियानी बनाया गया। आज रबुआ में पठान मरबी बनने की तरबियत लेते नजर आते हैं और पठानों के इलाके में कादियानियों की बढ़ती हुई तादाद तश्वीशनाक है। इस वक्त सवात और गिरदो नवा के मुसीबत सदगान मुसलमान भाइयों में तबलीग और बैत फार्म भरवाने के लिए कादियानी भरपूर सरगर्म अमल है और इनकी बहुत सी एनजीओज वहां अपने मकासद के हसूल के लिए काम कर रही है। ईसाइयों की तरह मर्जई भी इसी इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां के मुसलमान गरीब, जाहिल और बेदीन हों, जैसे कि सिंध के पसमानदा इलाके हैं। वहां मुसलमानों के सिवा हर मजहब बड़ी तेजी से अपनी तिबा आजमाई कर रहा है। बेवाओं और यतीमों की इमदाद के जरिए भी कादियानी मुसलमानों का ईमान लूटते हैं। एक घराने का कफील मुसलमान फौत हो गया। इसकी बेवा अपने तीन बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त ना कर सकी और स्कूल से इन्हें उठा लिया। इन बच्चों में से एक बच्चे का क्लास फेलो बच्चा कादियानी था। इस कादियानी बच्चे के बाप ने मौके को गनीमत जाना और बेवा की माली इमदाद शुरू कर दी। बच्चों की तालीम जारी करवाने के अलावा खर्चे की जिम्मेदारी भी उठा ली और बेवा को मजीद मुस्तकिल माली इमदाद बहम पहुंचानी शुरू कर दी। आज वो बेवा बीमा खानदान इस शख्स की तबलीग से कादियानी हो चुकी है और जाहिर है इसके बच्चे भी कादियानी ही होंगे। अल्लाह महफूज रखे। लायलपुरी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह के वाकयात बहुत ज्यादा हैं। जहां भी कोई ग्रुप, जमात, फितना कादियानियत के खिलाफ काम कर रहा है, इससे राबता करने पर बहुत से वाकयात मिल सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हस्पताल में ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। इस मौजू पर मोहतरम मोहम्मद मुतीन खालिद हफीजुल्लाह की किताब कादियानियत एक दहशतगर्द तंजीम का मुतालिया भी फायदामंद रहेगा। मुसलमानों को चाहिए कि वो दीनी और रफाई सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस काम को इतना फैलाएं कि मुसलमानों को इन मुर्तदों के जाल में फंसने का मौका ना मिले। और अपना जायजा भी जरूर लीजिए। जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए काम करता है, फिर इसको परवाह नहीं होती कि कोई इसका साथ देता है या नहीं।
इससे पहले कि कादियानी हमारे मजीद मुसलमान भाई बहनों को बरगला कर मुर्तिद बना दे, आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कादियानियत को बेनकाब करने के लिए इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।